जी हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इसी यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार पर स्वागत है। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के प्रमुख शैक्षिक समाचार। तो सबसे पहले सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर बेरोजगारों को जीके समेत 5 विषयों की आंसर की का इंतजार। वरिष्ठ शिक्षक भर्ती कटारा की गिरफ्तारी से आंसर की अटकी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के खुलासे के बाद यह प्रक्रिया भी अटक गई है। पेपर लीक में पकड़े गए आयोग सदस्य बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद सामान्य ज्ञान समेत 4 विषयों की आंसर की जारी नहीं की गई है। आयोग ने 20 मार्च 2023 को संस्कृत, अंग्रेजी, सोशल साइंस, हिंदी की आपत्तियाँ मांग ली थी, लेकिन इसके बाद से किसी भी विषय की आंसर की जारी नहीं की गई है। अब गणित, विज्ञान, पंजाबी, उर्दू के अलावा जीके ए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की आंसर की का इंतजार है। बता दें कि 7.86 लाख अभ्यर्थियों ने 97,060 पदों पर होने वाली इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 5 महीने बाद भी आंसर की जारी नहीं की गई है। भर्ती में देरी से अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ने लगी है। अगली खबर है एकीकृत शिक्षक महासंघ वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के रिजल्ट का इंतजार। RPSC भी पहुंचे अभ्यर्थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 की उत्तर कुंजी जारी करवाकर परिणाम जल्द जारी करने की मांग को लेकर बुधवार को राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ की ओर से आयोग के सचिव को ज्ञापन दिया गया। संघ के प्रदेशाध्यक्ष हरपाल दादरवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन देने पहुंचा। दादरवाल ने बताया कि 2022 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी, लेकिन RPSC की ने 5 महीने बाद भी उत्तर कुंजी जारी की नहीं की है। इससे परीक्षार्थियों में आक्रोश है और कारण चुनावों में अब तो बहुत समय बचा है, यदि अब समय पर परिणाम जारी नहीं हुआ तो आचार संहिता लग जाएगी, जिससे आचारों बेरोजगार को उनके परिजनों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अध्यापक भर्ती का परिणाम मई माह जारी करने की तैयारी की जा रही है। यदि ऐसा होता है उनको पहले नियुक्ति मिल जाती है तो इसका दुष्परिणाम यह होगा कि अभ्यर्थियों को दोबारा पद स्थापन में इनकार नहीं किया जा सकेगा। अगली खबर है 18 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों ने शिक्षा निदेशक से की वार्ता। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रतिनिधिमंडल ने 18 सूत्री मांग को लेकर निदेशालय बीकानेर, शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग गौरव अग्रवाल के निमंत्रण पत्र पर प्रदेश अध्यक्ष बेरोजगार बेगराज खोद, अरिकेशन यादव और कालूराम पट्टी के नेतृत्व में वार्ता की गई। शिक्षा मंत्री को सौंपा 11 सूत्री मांग पत्र। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश रमेश चंद्र पुष्करणा वो प्रदेश महामंत्री महेंद्र लकारा के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों को ने जयपुर में शिक्षा मंत्री BD कल्ला को निवास पर 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। अगली खबर है राहत, जिले की अंग्रेजी स्कूलों को जल्द मिलेंगे L1 और L2 के 445 असिस्टेंट टीचर्स। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में संविदा भर्ती वेरिफिकेशन शुरू होगा। 14,033 असिस्टेंट टीचर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। उनकी वेरिफिकेशन 1 शुक्रवार से प्रारंभ होकर 1 जून तक आयोजित करवाए जाएंगे। उसके बाद 33 जिलों में उनको संभाग स्तर पर उनको वेरिफिकेशन के बाद चयनित कर उनकी नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। अगली खबर है 50 विद्यालय में शुरू होगा कृषि संख्या। कृषि विज्ञाता के 50 नवीन पद का सृजन। प्रदेश के 50 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संख्या शुरू की गई है, जिनमें से पढ़ाने के लिए प्रति विद्यालय में के एक एक कृषि व्याख्याता के नवीन पदों का सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संख्या खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। जयपुर, अलवर के जिले के 8-8, अजमेर के 5, सीकर के 4, बाड़मेर, भीलवाड़ा, अभी डूंगरपुर, झालावाड़ जिले के 3-3, बूंदी, जोधपुर, नागौर जिले के 2-2, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जालौर और पाली जिले के 1-1 विद्यालय को कृषि संख्या शुरू होगा। अगली खबर है पोस्ट ऑफिस में 10वीं पास के लिए सीधी भर्ती। 30,000 रुपये तक की मिलेगी सैलरी। राजस्थान सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी है। इंडियन पोस्ट ऑफिस में 10वीं पास युवाओं के लिए 12,828 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके आवेदन 11 जून से प्रारंभ किए जाएंगे। अभ्यर्थियों का चयन 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा।
और आज के अहम महत्वपूर्ण खबर है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अध्यापक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति की संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। लेवल 2/6 से 8 तक की सीधी भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। 27 पदों पर ये भर्ती आयोजित करवाई जा रही है, जिसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।